जीएसटी लॉन्च होने के बाद आईसीएआई कार्यक्रम में गरजे मोदी, कहा शेल कंपनियों की अब खैर नहीं। जीएसटी लॉन्च होने से 48 घंटे पहले 1,00,000 के करीब फर्जी कंपनियों को खत्म किया। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का राज्य सरकार पर निशाना, बिहार में नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की चौपट, फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में जीएसटी का जोरदार स्वागत, आधी रात को एक देश एक कर के लागू होते ही लोगों ने मनाया जश्न, केक काटकर जाहिर की खुशी। कोडरमा में दर्दनाक सड़क हादसा, रफ्तार से बेकाबू ट्रक पलटा, 4 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत। जहानाबाद में लुटेरों का आतंक, कैश वैन से 22 लाख की लूट, बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पलामू पुलिस की बड़ी सफलता, 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। रांची में पुलिस के जवान ने की आत्महत्या, कैंप में खुद को गोली मारकर दी जान, खुदकुशी के कारणों का पता नहीं। सिमडेगा में हाथियों का आतंक, एक महिला की कुचलकर मौत, 5 घरों को किया ध्वस्त, ग्रामीणों में दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आईसीएआई कार्यक्रम में कहा कि स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा राशि अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत हो रही है, देश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। सीए पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में ये बातें कही। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। मैं एक बार फिर इंस्टीट्यूट को, उसकी फैकल्टी को और यहां उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईसीएआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश भर में इस कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से देश के कोने कोने में और दुनिया के भी कुछ देशों में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देख रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए 1 जुलाई 2017 नई दिशा, नई गति, नया उमंग, आओ हम चल पड़े और देश के सामान्य मानवी को एक इस ईमानदारी के उत्सव में जोड़े। पटना के इनकम टैक्स कार्यालय में जीएसटी के चीफ कमिश्नर शिव नारायण सिंह ने जीएसटी को लेकर बैठक की, जहां जीएसटी को लेकर लोगों और व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी दी गई। जो भी उनके पास तक कंजम्पशन के लिए पहुंचता है, चाहे होटल में खाना खा रहे हों या कोई सामान खरीद रहे हों, उसमें जैसे जैसे ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑपरेशनलाइज होगी यानी फंक्शनल रूप लेगी, वो प्राइसेस कम होंगे और उसके बिल में वो दिखाया जाएगा। मान लीजिए कि पहले 500 रुपये होता था तो 400 रुपये होगा, निश्चित रूप से वो कम होगा। और इसी उम्मीद पे ये प्लानिंग है कि जैसे जैसे मान लीजिए साल, 2 साल, 3 साल में ये प्राइसेस कम हुए
प्राइस जब कम होगा तो उसका फायदा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। दरभंगा के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेखा ने जीएसटी का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार एक डिमांड करते हुए कहा कि शुरुआती दौर में अगर 6 महीने तक जीएसटी को लेकर किसी व्यापारी से कोई कागजी गलती हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो। दूसरी तरफ जीएसटी को लेकर देश भर में कपड़ा व्यवसाय सबसे ज्यादा विरोध जता रहे हैं। जब न्यूज इंडिया की टीम ने दरभंगा के सबसे पुराने और बड़े कपड़ा व्यवसायी के थोक विक्रेताओं से बात की तो उनका कहना था कि वो जीएसटी का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जीएसटी को गलत तरीके से रख रहे हैं जो सच नहीं है। त्रुटियां दूर हो और लोगों को अभी समझने का अवसर दे सरकार, 6 महीने की छूट, इसके लिए ट्रायल बेसिस, हमने कहा ट्रायल बेसिस पर चलाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर वर्ड तो खत्म भी हो गया है, लेकिन खैर उसका दूसरा रूप कमिश्नर वर्ड कह दीजिए, तो अगर ढंग से लागू हो तो, लेकिन भ्रष्टाचार इस देश से दूर होगा यह सपना सपना ही रहेगा। पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का 21वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव करेंगे। इस समारोह में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इक्कीसवां स्थापना दिवस समारोह 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय परिसर में मनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में शिक्षा के स्थिति को सुधार को लेकर आक्रोश मार्च निकालेगी। शिक्षा बचाओ कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसी के तहत मधुबनी के जिला मुख्यालय से जिला सम्मेलन की शुरुआत की गई। विद्यालय में, जिस सरकारी विद्यालय में बिहार सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है, या उसमें ऐसे शिक्षक भी आ गए हैं जिनको ठीक से कहा जाए वो अपना पत्राचार का पता तक नहीं लिख पाएंगे, वैसे शिक्षकों की भी बात है। जो बहाल वाले लोग, बहाल हुए लोग हैं, उनका दोष नहीं है। जो किसी न किसी माध्यम से टीचर बन गए हैं, उनका दोष नहीं है, दोष है तो सिस्टम का दोष है। राजधानी पटना के दीघा सोनपुर के जेपी पुल पर अगर किसी ने बिना हेलमेट वाहन चलाया तो पुल पर सेल्फी ली तो पटना पुलिस जुर्माना लगाएगी, क्योंकि पटना पुलिस की ओर से जेपी पुल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसका जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित कुमार ने। पटना के दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाले जेपी सेतु पर अगर आप सेल्फी लेते हैं तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल लगातार हो रही शिकायतों के बाद, जो दुर्घटनाएं घट रही थी उसके बाद, ट्रैफिक पुलिस से पटना पुलिस गई, उसने इस पूरे पुल पर किसी भी प्रकार के सेल्फी पर रोक लगा दिया है। यानी कि आप यहां पर रुक करके किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के 600 रुपये का जो न्यूनतम जुर्माना है रखा गया। ये पहला ऐसा इलाका है पटना के अंदर में जहां पर स्थायी तौर पर सेल्फी को पूरी तरीके से रोका गया है। दरअसल लगातार शिकायतें आ रही थी कि लोग गाड़ियों से सेल्फी के लिए पहुंचते थे इस पुल पर और उसके बाद वो दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। दो और भी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें पहला तो ये है कि अगर आप अपने हेलमेट की ट्रैवल करते हैं तो पटना में अमूमन 100 रुपये का न्यूनतम जुर्माना है, लेकिन यहाँ पर करीब 600 का जो न्यूनतम जुर्माना है वो रखा गया है। और सबसे खास बात की है कि इस पूरे पुल पर जो गति सीमा है, यानी कि 40 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अगर आप उस रफ्तार से इससे ज़्यादा को क्रॉस करते हैं तो उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए इस पूरे पुल पर स्पीड मीटर के साथ साथ में जो कैमरा है उसको लगाया जाएगा। कोशिश ये है कि इस पुल को पूरी तरीके से आम जनों के लिए सेफ बनाया जाए। पिछले एक महीने में जब से पुल शुरू हुआ है उसके बाद से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में दोनों छोर पर पटना पुलिस ने एम्बुलेंस की तैनाती के निर्देश भी दिए हैं। कोशिश ये है कि सेल्फी फ्री इस पुल को बनाया जाए ताकि लोग दुर्घटना का शिकार ना हो। जाहिर तौर पर कोशिश यही है। आपसे भी न्यूज़ इंडिया अपील करता है कि आप भी इस पुल पर रुके नहीं, अपनी गति सीमा में चलें और कोशिश ये करें कि सेल्फी ना लें, क्योंकि आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। सीतामढ़ी के परिहार थाना इलाके के बेतहा गांव में मदरसा के सचिव पद को लेकर दो पक्षों में खूब मारपीट हुई। घटना में महिला समेत दर्जनों लोग घायल हुए।
हालांकि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस शांति बहाली को लेकर इलाके में तैनात दिखी। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता श्याम सुंदर की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 29 जून को नीतीश कुमार की गोह सभा के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना था, मगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 10 जून को पटना के जमाल रोड स्थित पान व्यवसायी अजीत कुमार की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दो अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बाइकर्स गिरोह के सदस्य बताए जाते हैं, जिनमें से एक बाइकर गिरोह का मुख्य सरगना भी है। दरअसल जब अजीत दुकान बंद कर रहा था तो तीन लोगों ने दुकान में घुसकर उससे मारपीट की और पैसे छीनने की कोशिश की। जब अजीत ने विरोध किया तो अपराधी उसे गोली मारकर फरार हो गए। जमाल रोड में पान दुकानदार की हत्या की गई थी निर्मम तरीके से। उस मामले का उद्भेदन हो चुका है। छिम्मी नाम का अपराधी जो कि टाउन एरिया का पीर बोहर का रहने वाला है, वो इस गैंग का सरगना है। दो अपराधी उस घटना में जो शामिल थे वो पकड़े गए, जो बाइकर्स गैंग के किंग्स ऑफ पटना गैंग्स के मेंबर हैं। नालंदा इस्लामपुर से आके उन्होंने यहाँ पर क्राइम किया। और विशेष बात यह है कि एक जो उसमें स्टूडेंट है वो अपने आप को एमटेक का इंजीनियर बता रहा है, सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट से, साउथ इंडिया से, बेंगलोर के एक कॉलेज से। इन लोगों का मॉडल ऑपरेंडी है कि बाइक पे घूम घूम के कहीं कहीं क्राइम कर सकते हैं और चेन वगैरह भी छीनते हैं। मधुबनी के ट्रिपल मर्डर कांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला मधुबनी के जयनगर थाना के बेला गांव का है। जमीन विवाद को लेकर 14 नवंबर 2010 को दर्जन भर लोगों ने घर में घुसकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। 11/2010 के रात में जयनगर थाना के बेला गांव में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उसी हत्या के केस में 7 व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सजा दी गई, दोषी पाया गया। आज सजा के बिंदु पर उसमें सुनवाई थी, उसमें सभी को आजीवन कारावास 20 साल। सासाराम के नगर थाना के नेहरू पार्क के पास करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक से जा रहे थे, बारिश के दौरान खंभे से लटकते तार की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को निजी क्लिनिक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो बाइक से आ रहे थे लोग, अचानक गिरे और एक जो बाइक चला रहे थे वो एकदम जहाँ खंभा था उसी के किनारे पे गिर गए, लग रहा बहुत ज़्यादा उसी में हुआ। और दोनों उनके साथ थे, वो पकड़े हुए थे, तो वो दोनों जैसे जाके करंट से ही ज़्यादा हुआ है। बेगूसराय के सिंघौल थाना इलाके के डुमरी गांव में जमीन विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे के साथ मारपीट की, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में घर भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के जमीन पर पड़ोसी ने दीवार खड़ा किया था, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और फिर नौबत मारपीट की आ गई। पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। आरा के कोइलवर थाना इलाके के गिद्धा इंडियन बॉटलिंग प्लांट में भूमिहीन विस्थापित परिवारों ने नौकरी और जमीन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज भूमिहीनों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने 62 में से सिर्फ 15 लोगों को नियोजित किया है। वहीं अंचल अधिकारी ने कहा कि भूमिहीन विस्थापितों के लिए प्लांट के अधिकारियों से बात की जा रही है और जल्द ही सभी परिवार के लोगों को प्लांट के अंदर नौकरी दी जाएगी। उनका चूंकि जमीन दिया हुआ था, जिससे वर्किंग प्लांट का उद्घाटन होना था, यहाँ स्थापित होना था, उन लोगों को ही रोजगार के तौर पे सारा इंडियन वर्क प्रोफेशनल रखा हुआ है। अभी 2-3 डिमांड जो है बेसिकली इनका नियोजन संबंधी, लेकिन नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अलग है। यहाँ पे जहानाबाद में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े खुलेआम 22 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार इलाके का है।
जहां एक्सिस बैंक के नजदीक सीएमएस प्राइवेट एजेंसी के कैश वैन से अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जब कैश वैन के कर्मचारी एटीएम में रुपए डालने जा रहे थे, उसी वक्त अपराधियों ने सुरक्षा में तैनात गार्ड की राइफल छीन ली और पैसे लेकर फरार हो गए। नवादा इलाके के पकड़ी मोहल्ले में 2.5 लाख रुपए लूट के मामले में भोजपुर में बवाल मच गया है। लूट के दौरान पीड़ित सदस्य ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसका विरोध होना शुरू हो गया। स्थानीय लोग आरोपी युवक को निर्दोष बता रहे हैं और उसके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में लोग जगदेव नगर के ओवरब्रिज के पास इकट्ठा हुए और बांस बल्ली लगाकर सड़क को जाम कर दिया। कथित निर्दोष युवक राजू सिंह को छोड़ने की मांग पर अड़े रहे। जाम कर रहे लोगों का आरोप था कि जब जांच के दौरान युवक के शामिल होने की बात सामने नहीं आई, तो फिर पुलिस का आरोप है कि विधायक के दबाव में युवक को पकड़ा गया है। हमको पीड़ित क्या हुआ है, क्या साजिश के तहत फंसाया गया? जी, साजिश के तहत उनको फंसाया गया। अच्छा, वो निर्दोष है? जी, निर्दोषी हो पुलिस का कोई सबूत नहीं मिला है। रोहतास के डेहरी इलाके के झारखंडी मंदिर में दूसरी शादी करना एक दूल्हे को महंगा पड़ गया। पहली बीवी और एक बेटी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप में पुलिस ने दूल्हे को और उसके पिता को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद के नारारी थाने के बघा बिशनपुर गांव का रहने वाला बिमलेश की शादी 4 साल पहले खिलार खुर्द की संगीता देवी के साथ हुई थी, जिससे एक बेटी भी है। बिमलेश अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे तंग आकर पत्नी ने स्थानीय महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बिमलेश ने औरंगाबाद के रहने वाली निशा के साथ भी शादी रचाने झारखंडी मंदिर पहुंचा था, जिसकी सूचना पर उसकी पहली पत्नी वहां पहुंच गई। पहली पत्नी है ना, फिर दूसरी शादी कर रहे थे। कहाँ की लड़की रहने वाली थी? लोग झारखंडी मंदिर में शादी करने के लिए पहुंचा था। एक पत्नी वो ऑलरेडी है भी, दूसरी शादी यहाँ कर रहा था। तब तक लड़के पक्ष जो पहली पत्नी है उनके भाई सगे संबंधी आकर के बीच में व्यवधान खड़ा किया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश हित में कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के जरिए विकास और मुख्य परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। जन औषधि केंद्र शुरू करना है, उसके लिए एक एमओयू साइन होगा। उसके आधार पर अगस्त महीने तक झारखंड में 188 सीएससी पर प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र शुरू होंगे और जनऔषधि केंद्र पर जनता को एकदम सस्ते दर में क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होगी। उसके साथ साथ आज हाईवे के संदर्भ में भी रिव्यू हुआ। मुझे कहते हुए खुशी हुई हो रही है कि झारखंड में हमारी सरकार बनी उसके पहले 2600 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लेंथ थी। 3 साल में हमने 2700 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। झारखंड में फिर से विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। विपक्ष के सभी राजनीतिक पार्टियां सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक, सांप्रदायिक माहौल को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। साफ मानना है कि अगर जनहित के कार्य के लिए कोई जमीन की जरूरत हो तो वो धारा 49 के और 50 के तहत पूरी तरह से प्रदर्शित है। इसलिए पूरा विपक्ष आज इस बात की मांग करता है कि इसको तत्कालिक निरस्त किया जाए और विधानसभा में ला करके कोई भी तरह का इसमें संशोधन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य की जनता की जनभावनाओं का ख्याल रखा है और उन्होंने वापस किया, उसके लिए हमको बहुत बहुत बधाई है।
लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद शुरू की है और सरकार को जो सुझाव दे रही है, जो इन दिनों अखबारों में आ रहा है, सुर्खियों में, वो चर्चा में, उसमें एक तो जो बातें आई है 21 सीएनटी एसपीटी एक्ट का धारा 21 और एसपीटी एक्ट का धारा 13 उसको विलुप्त करेगी। जमशेदपुर के मानगो में बालीगुमा ग्रिड बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास 6 जुलाई को करेंगे। जमशेदपुर सर्किट हाउस में झारखंड के मंत्री सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कदमा और सोनारी के साथ साथ पूरे जमशेदपुर में बिजली की समस्या जल्द दूर होगी। बिजली के खंभों में जो चीनी मिट्टी से बने हैं, इंसुलेटर को उसमें लगाया जाएगा और उसके जगह पर अब पॉलीमर का इस्तेमाल शुरू होगा। पावर ग्रिड को हम लोगों ने फुल लोड पर चार्ज किया है। एक दो दिन तीन दिन ट्रायल में रखेंगे लोग उसको, और अभी जो सप्लाई साइड से भी खबर है, ट्रांसमिशन से भी, कि पूरा सिस्टम स्टेबलाइज कर गया है। यानी कभी और एडजस्ट करने के बाद ये लोग को इत्मीनान है कि हमारा सारा सिस्टम स्टेबलाइज हो गया है। इसलिए मानगो 1 मानगो 2 जो दो बड़ा इलाका है, जो 75% हिस्सा है मानगो का, फिलहाल 75% हिस्सा में अब बिजली कटेगी नहीं, लोड शेडिंग नहीं होगा, और वोल्टेज भी प्रॉपर रहेगा, तो घर में लोगों को वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोगों ने बताया हमको। अब हम लोगों को था कि हम लोग थोड़ा लोगों को हिदायत देंगे कि भाई कुछ दिन तक आप लोग अपना वोल्टेज स्टेबलाइजर है या घर में और इक्विपमेंट है, थोड़ा सावधानी रखें। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में रांची जिला समाहरणालय में 20 सूत्री कमेटी की बैठक हुई, जिसमें रांची सांसद रामटहल चौधरी, महेश पुद्दार, विधायक नवीन जायसवाल और तमाम जिले के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ भविष्य में किए जाने वाले काम की रूपरेखा भी तैयार की गई। 20 पॉइंट पर बात हुई और सारे चीजों पर विस्तार से हुए, सारे अधिकारियों पदाधिकारी और हमारे माननीय सदस्यजन सारे लोग एक एक बिंदु पर चर्चा किए और काफी अच्छा रिजल्ट सूत्र के माध्यम से। रांची पुलिस ने लूट, चोरी और छिनतई करने के आरोप में 4 आरोपियों के साथ 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से नाबालिग बच्चों की बूढ़ी और अंधी माँ का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि सदर थाना इलाके में कई दिनों से चोरी और छिनतई के मामले बढ़ गए थे। सभी आरोपियों के पास से 1 मोटरसाइकिल, 1 एलईडी टीवी, 4 स्कूटी, 3 मोबाइल और 1 पावर बैंक भी बरामद किया गया। मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट किया गया था, और जून के माह में 2 चोरी की प्रियवेदन की घटनाएं हुई थी, जिसमें कि घर से डंगरा टोली और ढेरा टोली में घर से एलसीडी टीवी और मोबाइल वगैरह चोरी करके ले जाया गया, जिसको फॉलोअप किया गया टीम बनाकर, जिसमें कि थाना प्रभारी बरियातू और थाना प्रभारी सदर डीएसपी विकास के नेतृत्व में इसको जांच। रामगढ़ में गौमांस मामले को लेकर हुई युवक की मौत के बाद पीएमओ के संज्ञान लेने के बाद मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर रामगढ़ पुलिस इलाके में चौकसी बरत रही है। जिले के उपायुक्त, एसपी सहित प्रशासन के लोग संवेदनशील इलाके में खुद पेट्रोलिंग में जुटे हैं। 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें 8 की पहचान कर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। प्रशासन ने सरेंडर के लिए उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया है। आदेश के बाद 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, बाकी के 6 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इलाके में धारा 144 लागू है। शांतिपूर्वक उसको किया गया और जिला में 144 लागू भी किया गया था। सभी जगह मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात थे, इस वजह से कोई भी किसी तरीके का धरना नहीं था और शांतिपूर्वक दिन बिताया गया। 2 FIR हुए हैं इसमें। एक FIR जो है, जो मृतक व्यक्ति है उसकी मृत्यु को लेकर के, जो हत्या हुई है उसको लेकर के किया गया है, और दूसरा एक केस भी जो प्रतिबंधित सामग्री को लेकर उसको लेकर भी एक मामला दर्ज किया गया। सर, बताया जाता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई है, या ये मामला सुन कुछ आपराधिक मामले प्रकाश में आए हैं।
सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय से पोषाहार का 32 बोरा आंगनबाड़ी सेविका अवैध रूप से कालाबाजारी के लिए ले जा रही थी, तभी जेवीएम कार्यकर्ताओं ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि जेवीएम आरआईटी मंडल के कार्यकर्ताओं ने टेम्पो पर लदे 32 बोरा पोषाहार के साथ आंगनबाड़ी सेविका को खरकई पुल के पास पकड़ा और गम्हरिया सीडीपीओ समेत आदित्यपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। कार्यकर्ताओं ने पूछताछ किया तो कालाबाजारी की बात को आंगनबाड़ी सेविका ने कबूल किया। डीसी चेंज होने के बाद इन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। डीसी आदेश दिए हैं भाई माल वाल इधर उधर होगा तो इन्फॉर्मर मेरे को दीजिएगा। डीसी साहब भी दिए अभी जो है ब्लॉक से लोग दो टेम्पो निकला था, एक टेम्पो वहीं रुक गया, एक टेम्पो जा रहा था वहाँ बेचने के लिए। पकड़ाने के बाद पूरा है कि इधर में DSW में मेरा घर है और वहाँ माल ले जाता, हम उतरने गए थे, माल है आदित्यपुर बस्ती का। इसमें क्या है, इसमें है क्या, इसमें है वो राशन क्या होता है आपका, बच्चा लोग का जो है बच्चा लोग का खाने का सामान है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के कैंप में एक जवान ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि जवान चाईबासा का रहने वाला था। सिमडेगा के बानो थाना के मयंगसोर गांव में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने एक महिला को कुचल दिया और 5 घरों को नष्ट कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरायकेला के आरआईटी मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना के तहत घर घर जाकर आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। देवघर के अनुमंडलाधिकारी कार्यालय में श्रावणी मेले में प्रसाद की खरीदारी को लेकर दर निर्धारित किया गया। इस साल 300 रुपये किलो का दर निर्धारित किया गया है। साथ ही इलायची 60 रुपये प्रति किलो और चूरा 40 रुपये प्रति किलो का दर निर्धारित किया गया है। श्रावणी मेले में खाद्य पदार्थ में मिलावट को लेकर जिला प्रशासन सख्त कदम उठाएगी। श्रावणी 2017 के निमित्त में तैयारियों के क्रम में एक मुद्दा जो हम लोग सामने आता है, पेड़ा चूड़ा और प्रसाद का जो वितरण होता है इलायची दाने वगैरह का, उसकी एक परंपरा रही है। मंडल स्तर से दुकानदारों के संघ के साथ बैठक करके हम लोग एक मिनिमम रेट मैक्सिमम रेट तय कर देते हैं और उसके लिए जरूरी जो दिशा निर्देश है वो दिया जाता है। इस बार पिछले बार 280 रुपये रेट था, उसको हम लोगों ने 300 रुपये किया क्योंकि चीनी की कीमत में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आरएस कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आरएस गार्डन स्मार्ट सिटी डुप्लेक्स सिंप्लेक्स। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।